नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके भाई प्रदीप सर पे। जब से प्यारे बच्चों ये पोर्टल ओपन हुआ है, बच्चों के बहुत ज्यादा मैसेज आ रहे हैं। आज सभी पर बात करूंगा। सबसे पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जीके भाई प्रदीप सर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। जीके की क्लास स्टार्ट हो गई है, हरियाणा पुलिस और अदर एग्जाम के लिए डेली 3 बजे होती है, रात 8 बजे भी स्टार्ट हो जाएगी। अब बच्चों के बार बार कमेंट आ रहे हैं, मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं। बच्चों के कमेंट आ रहे हैं पोर्टल के बाद है, अब क्या होगा? तो पोर्टल तो ओपन हो गया बेटा, पोर्टल के बाद है ना, अब ये जैसे ही पोर्टल 28 तारीख को शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा, तो इसके बाद है ना, सिंपल सी बात है, एक पोर्टल, ये तो करेक्शन पोर्टल है केवल, फिर यस नो वाला पोर्टल भी आएगा। और यस करते ही ना आपसे पोस्ट प्रेफरेंस बढ़ाई जाएगी कि आप किस पोस्ट के लिए टॉप, कौन सी पोस्ट को प्रियोरिटी देते हैं। तो ये इसके बाद ये मतलब बात आपका होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल पड़ेगी। और वो है ना, जो यस और नो है ना, वो भरवाएंगे केवल, मेरे हिसाब से जहां तक है 56,000 बच्चों से ही भरवाएंगे, क्योंकि इनको 4 गुना के हिसाब से ये भरवाएंगे, पोस्ट का 4 गुना भरवाएंगे। कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं बच्चों को पोर्टल में, यानी इसके बाद करेक्शन के बाद यस नो और पोस्ट प्रेफरेंस वाला सीन चलेगा। कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं पॉइंट नंबर 4 में समझ नहीं आ रहा है, 5 में समझ नहीं आ रहा है। तो बेटा अभी है ना, आप एक बार थोड़ा इसको मत भरिए, जैसे ही दिन में ना कोई अपडेट आती है, कोशिश की जा रही है ऑफिस से बात करने की, जैसे भी कोई अपडेट आती है फिर है ना हम एक फॉर्म आपको भर कर बता देंगे, क्योंकि एक गलती हो गई ना फिर प्यारे बच्चों हमें पछताना पड़ सकता है, क्योंकि करेक्शन पोर्टल में दोबारा करेक्शन हमें सबमिट के बाद है नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा उनसे कहूंगा वेट कर सकते हो, हाँ जिसको भरना आता है वो भर लीजिए, कहीं के जैसे सर आपने कहा था मेरे को तो आता है तो आप भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि कल शाम तक चलेगा, ऐसा नहीं है कि साइट बंद हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर ये 5 नंबर वाला मीटर क्या है, तो 5 नंबर वाला इन्होंने तो ऑप्शन ही नहीं दिया कि मैं छोड़ू या लेऊं, ये तो ऑप्शन ही नहीं था। ये जब है ना मतलब ऑफिस से बात हुई तो वो यही कह रहे हैं कि 5 नंबर है ना हम केवल उनसे पूछेंगे जो 4 गुना में आएंगे। अभी तो ये सभी से मतलब ग्रुप डी में तो सारे लगभग बहुत से बच्चे पास है ना, लाखों बच्चे पास है, हम केवल है ना टॉप 46,000 बच्चों से ना पूछेंगे, सभी से हमें क्यों पूछे। तो अभी तक की ये अपडेट है, जिसको भी समझ नहीं आ रहा ना या कोई भी आपका पॉइंट है वो आप कमेंट कर दीजिए। पूरी कोशिश है कि हम एक फॉर्म है ना सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट का आपको फिल करके दिखा दे, जिससे आपके डाउट है दूर हो जाए। मैं कहता हूं प्यारे बच्चों गलत भर दिया ना, फिर इसमें नोटिस में भी कहा गया कि दोबारा आपको मौका नहीं मिलेगा, ये एक ही मौका आपको मिलेगा, आज का सारा दिन है, शाम तक भर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी में ओपन करके कहीं बंद करते हैं ना, उसमें भी हो सकता है पीछे दिक्कत आ गई थी, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा शांति रखिए। और ग्रुप डी की कट ऑफ है ना ये 28 तारीख इसकी पोर्टल की दी गई है, 28 तारीख कई केसों की दी गई है, तो चांस है 56-57 का मामला भी शॉर्ट आउट हो जाए, सोशियो इकोनॉमिक का भी शॉर्ट आउट हो जाए, और इस महीने 29 तारीख को है ना आपके कई रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है 28 की रात को बहुत से रिजल्ट आपको देखने को मिले, ये भी है अपडेट है कि ग्रुप 57 का रिजल्ट है ना विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स ये देने वाले हैं, 2.5 जो मार्क्स मेंस में मिलने वाले हैं उसको छोड़कर ये, और 28 तारीख के बाद ही फैसला हो पाएगा कि टीजीटी का जो रिजल्ट है ना वो विद आएगा या विदाउट आएगा। आगे तारीख मिलती है तो विदाउट आएगा, केस सोल्व हो गया तो जुड़कर नंबर आ जाएगा। बाकी आपके कोई कमेंट है ना मैसेज कर दीजिए, शाम तक या दोपहर तक जैसे भी अपडेट आती है एक फॉर्म हम भर के दिखा देंगे, और जिसको आता है वो भर लीजिए, कोई पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।